कल बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, जिसको लेकर पूरा जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि वैसे तो ये चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लेकिन बिजनौर में समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें होने और गठबंधन के चलते यहाँ पर यह चुनाव नाक का चुनाव हो गया है। एक और समाजवादी पार्टी इसमें अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक इस सीट को जिताने की जी जान से कोशिशें कर रहे हैं। इस चुनाव में साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपनाई जाती हैं। पंचायत सदस्यों को वीआईपी की तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें आलिशान होटलों में रुकाया जाता है, मनचाही चीजें मुहैया करवाई जाती हैं। कुल मिलाकर इस चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। आज इसी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में वोटिंग व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। व्यवस्था अलग होगी, जिससे हमारा कानून व्यवस्था भी सुरक्षित रहे, मेंटेन रहे और हमारा मतदान और मतगणना कार्य संपन्न। किसी को सहायक नहीं, सहायक का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमें सहायक दिया जाए। चुनाव होने हैं, क्या तैयारियां पूरी? कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक सुदृढ़ बंदोबस्त किए गए हैं। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, शहर के आउटर कार्डर से लेकर के मतदान कक्ष आइसोलेशन कार्डर तक की सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, पुलिस DSC, महिला पुलिस बल, LIU, बैरिकेटिंग, लाउड हेलर, रूफ टॉप ड्यूटी, फायर सेंडर, सभी प्रकार की व्यवस्था है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराया जाए। कितनी फोर्सेस लगाई गई है? पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, पुलिस की, दरोगा, इंस्पेक्टर, कहाँ कहाँ लगाए हैं, कैसे? 3 कंपनी PAC लगी है, प्लस जनपद के सभी गजेटेड अफसर, 24 थानों के पुलिस बल, 8 राजपत्रित अधिकारी, स्वयं मैं रहूँगा और इन सब के साथ जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट की भी बंदोबस्त व्यवस्था की गई। विजय जुलूस को लेकर क्या व्यवस्था है? विजय जुलूस तो हरगिज नहीं निकलेगा, जो निकालने की कोशिश करेगा उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कप्तान साहब, वोटर आएंगे यहाँ, जिला पंचायत सदस्य आएंगे, कोई छीना झपटी ना करे, क्योंकि बाहुबल का चुनाव होता है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई अव्यवस्था नहीं होगी, न ऐसी स्थिति आज तक उत्पन्न हुई है न होगी। अगर जो इसका दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।